एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्ते दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में निरंतर होने वाली निराशा से हमें कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार आखिरी चाबी जो होती है ना गुच्छे की, वही सही चाबी होती है। उसे हमें ढूंढने की जरूरत है, बस वो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इसी बात के साथ आज की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। ओम शांति, नमस्कार भाई जी। आज हम बात कर रहे हैं गुस्से के बारे में, फियर, और साथ में कहीं ना कहीं जो एक गुस्सा है वो हमारे अंदर की ही एक इजाद है, ये आपने पिछली वाली कड़ियों में कहा था, और हमें अपने अंदर ही एनालाइज करने की जरूरत है भाई जी। पर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं गुस्से को, अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्कार है, एक ऐसा जड़ है जो हम चाह करके भी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उस जड़ को कैसे तोड़ा जाए? गुस्से की जो जड़, जो बीमारी हमारे अंदर चली गई है, उसको ठीक करने के लिए हमें उपाय भी खुद ही ढूंढने हैं। बीमारी किसने पैदा की? हमने खुद पैदा की। ये जड़ जो गई है, हमने ही इसको परमिशन दी है अंदर जाने की, इसलिए तो गई। हमने गुस्सा जाना कि गुस्सा हम खुद क्रिएट करते हैं, खुद हम पैदा करते हैं गुस्सा, तो अब समाप्त भी हमें ही करना है। अब हमें अगर समाप्त करना है तो उसके लिए हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को अपने से बात करनी पड़ेगी, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्या गुस्सा मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। जब हमें ये समझ आ जाती है और उन मान्यताओं को हम छोड़ जाते हैं पीछे जिनको लेकर अभी तक हम चल रहे थे जी। हमने 3-4 मान्यताएं पहले वाली कड़ियों में देखी थी, अब एक और मान्यता को हम ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि उन मान्यताओं को कैसे चेंज किया जाए और कैसे हम गुस्से को ओवरकम करें। दूसरा जो बिलीफ हमारा ये है कि आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो ऑप्शन। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, मुझे लगता है कि उस टाइम मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होती। अगर मैं गुस्से से रिएक्ट नहीं करूंगा तो मैं उस वक्त क्या करूंगा, वहाँ कोई चारा ही नहीं है। जब एक हेल्पलेसनेस सी फील होने लगती है। सही सही बात कही आपने, हमें लगता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं तरीका और कुछ करने का, मुझे तो उस वक्त रिएक्ट करना ही पड़ना था। सामने वाला आदमी आया, मैं भला चंगा खड़ा था और सबके सामने मेरी इंसल्ट करने लगा, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगा, गाली गलोच करने लगा, और आकर उसने कुछ और किया, डैमेजिंग काम करने स्टार्ट कर दिए, कप तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, और मैं चुप रहूं तो लोग क्या समझेंगे? लोग कहेंगे इस व्यक्ति को तो कोई भी आए कुछ भी कह के चला जाए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हमारी इमेज पर एक आघात तरीके की होने लगती है, हमारी खुद की एक जो आइडेंटिटी है उस पर भी कई बार क्वेश्चंस उठने लगते हैं ये गुस्से की वजह से। गुस्से की वजह से हमें हम अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, या हमें उस वक्त इस तरह की फीलिंग आती है कि मुझे तो अब कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो ये आदमी मेरे सिर पे चढ़ जाएगा, इसे तो सेट करना चाहिए, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ, ये समझता है क्या अपने आप को, इसका इलाज मैं अभी करता हूँ। इस तरह के थॉट उस वक्त हमारे मन में आते हैं कि मैं इसको मजा चखाता हूँ, इसको अभी सीधा करता हूँ, समझता क्या है। तो ऐसी घड़ी में हम हेल्पलेस टाइप के अपने आप को फील करने लगते हैं। तो उस वक्त हम कह देते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे गुस्से से रिएक्ट करना ही पड़ना था। अब हम इस मान्यता को लेके सोचते हैं कि यह सही थी या गलत थी। मान्यता बता दी आपको, अब आप देखिए, बचपन से हमें कई लोगों ने बताया कि चॉइस होती नहीं है जिंदगी में, इसलिए हमने ये मान लिया। लेकिन हम थोड़ा देखें, एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ आई हैव 100% चॉइस।
मेरी ये डिसीजन है कि मैं शांत रह के काम करूँगा या गुस्से में रह के काम करूँगा, दोनों चॉइस मेरे पास हर स्टेप पे होती ही है। और इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारा मूड ठीक हो, मान लो कोई व्यक्ति आए और कुछ कह के चला भी जाए, तो हम उसको हल्के में लेके छोड़ देते हैं कि छोड़ो पड़े, क्या बड़ी बात है। और जिस वक्त मूड ठीक ना हो, उस वक्त कोई थोड़ी सी भी बात कह दे तो वो हमें इफेक्ट कर जाती है, वो हम रिएक्ट करते हैं उसको बहुत ही रेसिप्रोकेटिव वे में करते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास चॉइस है और वो चॉइस मेरे मूड पे डिपेंडेंट है। जब मेरा मूड सही होता है तो मैं पीसफुल रहता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए। और जब मूड खराब हो तो छोटी सी बात भी मेरे को गुस्सा दिला देती है। तो इसका मतलब चॉइस तो होती ही है। फिर कई बार उस वक्त हम लॉजिक देते हैं कि उसने इतना किया ना, मैंने तो फिर भी कम किया, उसने बड़ी गलती की, मेजर करने लगते हैं, मेजर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास चॉइस हर स्टेप पे है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब हम दोबारा अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे जो आप करना चाहें अब कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे गुस्सा दिला दें, आप चाहें तो मुझे इरिटेट कर दें, अब मेरा अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है। भाई जी आपने एकदम सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो होती है, जो बाहर की जो समस्याएं होती है, वो हम पर कई बार हावी हो जाती हैं। जैसे एक स्टूडेंट, आप एक प्रोफेसर हैं, आप इसको बेहतर जानते होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जब बनने के लिए एक बच्चा अपनी मेहनत कर रहा होता है, कई बार कितने अटेम्प्ट कर रहा होता है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में भी वो फिर से फेल हो जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिल्डअप हो रहा होता है इमोशंस का, एक फेलियर का बिल्डअप हो रहा होता है, तो वो जो फेलियर का बिल्डअप है उसे ओवरकम करने के लिए हम गुस्से को अपनाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हमारी फैमिली के अंदर भी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, हम किसी से भी ढंग से बात नहीं करते क्योंकि हम फेल हो चुके हैं, वो हमारे अंदर में एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो ऐसे में उस इमेज को कैसे हटाया जाए और फिर आगे बढ़ करके पास हुआ जाए? इसमें भी हमारी अवेयरनेस ही काम आती है, नॉलेज ही काम आती है। जो गलत मान्यताएं हमने मन में भर रखी हैं कि मुझे अगर कामयाबी मिलेगी तभी मैं आगे जाऊंगा, अगर मैं आईएएस में सिलेक्ट होगा तो समझो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अगर नहीं हुआ, जो मेरे साथ फेलियर बार बार हो रहा है, तो जो गिल्टीपन लगता है कि मैं रह गया बाकी निकल गए, वो भी तो हमारी मान्यता ही है कि अगर मैं ये बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा, अगर नहीं बन गया तो समझो कुछ भी नहीं बना। अब उस मान्यता को भी चेक करने की जरूरत है, साथ में अपने को अच्छे अच्छे थॉट्स उस वक्त देने की जरूरत है कि सफलता क्या है। सफलता केवल किसी मुकाम तक पहुंचना वही सफलता नहीं है, सफलता के लिए प्रयास करना भी सफलता का ही अंग है। कामयाब व्यक्ति वो है जो कामयाबी के लिए काम करता है, चाहे उसे कामयाबी मिले या ना मिले, वो दुनिया के पैमाने हैं जज करने के। लोगों को लगता है कि ये बन जाओगे, इतना कमा लोगे तो आप कामयाब हैं, नहीं, कामयाबी वो नहीं है। कामयाबी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, कामयाबी जर्नी का नाम है, यात्रा का नाम है। अगर उस बच्चे को ये समझा दिया जाए कि आपने मेहनत की है, आपने प्रयास किए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा निकालने की या गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर तो आप कह सकते हो कि मैंने मेहनत नहीं की थी तब मैं गुस्सा हूँ। जब आपने मेहनत की, सच्चे दिल से प्रयास किया, अब कामयाबी मिले या ना मिले, वो तो एक लॉटरी की तरह सिस्टम है कि कितने लोग आईएएस बन पाते हैं, इतने हजारों लाखों लोगों में से कुछ एक बन पाते हैं। अब आपका नंबर मान लो उनमें नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जीरो पे बैठे हैं। कामयाबी का मतलब ये है, नाकामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने किया, पर हो सकता है आपका जो काम था वो 99 तक हुआ हो, आपको चाहिए अभी 100, है वो थोड़ा सा गैप। जैसे आप भी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि जो आखिरी चाबी होती है गुच्छे की, शायद वही सही चाबी हो, वही सही चाबी। तो आपके हिसाब से अगर 4 times वो अटेम्प्ट करने के बावजूद भी अगर वो पास नहीं हो पा रहा है, तो अगर 5th time करे तो शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो रिपीटेटिव कंटिन्यूस अगर हम उसको अप्रोच करते रहे तो वो हमें कामयाबी दिलाएगा, या हम ये रियलाइज कर ले कि नहीं भाई, हम ये मेरे कप, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, सो आई बेटर चूज समथिंग एल्स, या मैं कुछ और चूज कर लूं। उस वक्त पे दोनों बातें हैं कि हम अपना पोटेंशियल भी देखें, अपनी कैपेबिलिटी भी देखें कि कितना मैं, कितना मार्जिन से रह रहा हूँ, कितना गैप है। अगर थोड़ा गैप है
तो हम उसको कंटिन्यू करें, थोड़ा पेशेंस से काम करें तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर वो बहुत बड़ी चीज़ लग रही है और आप बहुत नीचे हैं तो ये भी है कि हम अपना चेंज भी कर सकते हैं, अपनी और ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप IAS नहीं बनेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। IAS बनना भी एक अच्छी मोटिवेशन है, एक अच्छा पोस्ट है, अच्छा स्टेटस है, लेकिन अगर वो नहीं भी बन पाए तब भी आपके पास उतनी ही ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप काम करके तब भी आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके पे कभी ना इरिटेट हों, ना कभी गुस्से में आएं, बल्कि धीरज से काम लें, क्योंकि धीरज का फल मीठा होता है। धीरे धीरे आप काम करते जाएं, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो आपके पास सब कुछ होगा। और सब कुछ लेना केवल सफलता नहीं है, ये भी बात है। बिल्कुल, सफलता एक जर्नी है, एक यात्रा है। आप काम दिल लगा के काम कीजिए, यही आपकी कामयाबी है। अगर आपने दिल लगा के अपना काम किया और अपनी जान उसमें लगा ली, दिल और जान से काम कर रहे हो, रिजल्ट पॉजिटिव आए या नहीं आए वो इतने मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क। तो ये प्रोग्रामिंग और इस तरह की अवेयरनेस अगर स्टूडेंट्स के अंदर होगी तो मैं नहीं समझता वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में उनको फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी या गुस्से का शिकार होंगे। बिल्कुल सही कहा भाई जी आपने। भाई जी, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं आज इंडिया के या कहीं के भी हम बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, गुस्से को भी एक हथकंडा बनाते हैं। उनके लिए वो एक कैटलिस्ट होता है कि आज जब मैं दूसरे किसी टीम के साथ में, मैं दूसरे किसी कंट्री के साथ में अगर मैं झगड़ा कर रहा हूँ, वॉर कर रहा हूँ, तो गुस्से को एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है कि जितना गुस्सा रहेगा उतनी अग्रेशन होगी, उतनी अग्रेशन के साथ में हम दूसरे के तरफ ओवरटेक करके और हम जीत हासिल कर पाएंगे। तो क्या गुस्सा जीत से कनेक्टेड है इस सिचुएशन में? गुस्से को जीत से कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते। आप देखेंगे अगर वहाँ गुस्सा भी होगा, जब कोई आर्मी में लोग लड़ रहे होंगे तो गुस्से में वो कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, चाहे दुश्मन सामने खड़ा हो, उसे मारना आपका गोल हो, जो भी है वहाँ की सिचुएशन। लेकिन अगर आप गुस्सा का मतलब आप डिस्टर्बड हैं, आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है उस वक्त, अगर वो है तो कभी भी राइट डिसीजन नहीं होगा। और डिसीजन अगर राइट नहीं होगा तो आपको आउटकम कभी भी राइट नहीं मिलेगी। आप जो चाहते हैं कि हम उनको जीतें, उनके ऊपर कुछ भी करें, वो पॉसिबल उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। वहाँ भी अगेन पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। अगर आप स्टेबल होकर वहाँ डिसीजन लेंगे और वहाँ का आप देखेंगे कि छोटा सा डिसीजन, आर्मी में आपको छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। कितने सारे लोगों की जिंदगी हमसे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन गलत होगा अगर कमांडर का तो पूरे सभी सारे सोल्जर्स की जान पर आ सकती है। इसलिए वहां तो गुस्से के बजाय वहां तो सबसे ज्यादा जरूरत है पीस ऑफ माइंड की। अगर पीस ऑफ माइंड दोनों तरफ की आर्मीज में रहे तो मैं तो समझता हूँ लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा ही नहीं होगा। ये गुस्सा ही तो कारण है जो एक दूसरे के ऊपर लोग अटैक करते हैं, ये आतंकवाद फैला है, ये जितना भी वर्ल्ड वार हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, और इवन कोई भी किसी देश के बीच में भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई कम्युनिटीज़ के बीच में चल रहा है, कोई धर्मों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मेन कारण तो गुस्सा ही है। अगर गुस्से को ओवरकम कर लिया, गुस्से को जीत लिया, तो मैं समझता हूँ दुनिया इतनी अच्छी बन जाएगी, सत्युग बन जाएगा, कोई झगड़ा रहेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ आर्मी वालों को भी और देश की सरकारों को भी और हर देश में ये बात अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि गुस्से से कभी भी काम अच्छे नहीं होते। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, कितने बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट दुनिया में, छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन रिजल्ट मिला क्या? लाखों करोड़ों लोग आपने मरवा दिए, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर वहाँ पर, और मुद्दे क्या थे, बिल्कुल छोटे छोटे बातें थी, अगर वहाँ पर थोड़े से प्यार से एक देश की गवर्नमेंट और दूसरे देश की गवर्नमेंट प्यार की भाषा समझते। हाँ, भाई जी आपने कहा कि हमें पीस ऑफ माइंड की जरूरत है, तभी हम बैलेंस के साथ में अपने पूरे के पूरे कमांडर बनकर के दूसरे लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पीस ऑफ माइंड रख लेंगे अपने अंदर में, तो उस वक्त हम रिएक्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है ना, क्योंकि कई बार हमें अटैक हो रहा है तो उस वक्त तो गुस्सा आएगा ही आएगा, और वो गुस्सा हमारे लिए कैटलिस्ट होता है, तभी हम उसको रिएक्ट कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से उस वक्त गुस्सा नहीं करें, पीस ऑफ माइंड करें, तो कैसे चलेगा? जरूरी नहीं है कि हम उस वक्त गुस्से से ही रिएक्ट करें। मान लो हमने सेल्फ डिफेंस में भी
पहला तो है कि हम किसी के ऊपर अटैक करना ही ठीक नहीं है। अगर किसी के ऊपर अटैक करता है कोई भी देश, वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, पर करना भी नहीं चाहिए। पर उस वॉर का ही तो रिजल्ट होता है कि आज एक जीतता है और एक हारता है, चाहे एक जीते चाहे एक हारे। लेकिन उससे जीत और हार के चक्कर में कितनी जानें चली गई और मिला क्या, तो ये तो आज की दुनिया में बिल्कुल कंसेप्ट रिजेक्ट हो चुका है कि हम दूसरे के देश के ऊपर कब्जा करके दूसरे के हिस्से को हथिया के, ये तो पुराने जमाने की बातें थी और आजकल ये पॉसिबल है भी नहीं इतना आसानी से और ना ही करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि सेल्फ डिफेंस, मान लो आप तो ठीक है, आप किसी की जमीन हथियाना नहीं चाहते, आप एक शांति प्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन दूसरा आपकी जमीन हथियाने पे पीछे पड़ा है, वो अटैक करता है, और उस वक्त सेल्फ डिफेंस में हमने आर्मी बनाई है, हमारा जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है भारत में तो खासकर इसलिए बना हुआ है ताकि हम अपनी रक्षा कर सके। अब उस घड़ी मान लो किसी ने अटैक कर भी दिया, तो अटैक का जवाब हम अटैक से दें, और जो भी वहाँ युद्ध के प्रति जो भी रणनीति बनती है, जो भी बनाई जाती हैं, वो गुस्से में अगर बनाते हैं, अगेन वही सेम थिंग, अगर वो गुस्से में बनाएंगे तो क्या वो अच्छी नीति बनेगी? जो भी पॉलिसीज अगर हम पीस ऑफ माइंड में रह के, एक स्टेबल स्टेट में रह के, वार रूम अलग चीज़ है, और एक है कि वार जहाँ हो रही है और एक है जहाँ पॉलिसीज बन रही हैं, तो जहाँ पॉलिसीज बन रही हैं अगर वहाँ पर भी गुस्सा आ रहा है लोगों को, गुस्सा ये है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है मान लो, अब हमें डिफेंस करनी है, लेकिन उस घड़ी भी हम शांति में रह के ही अगर पॉलिसीज बनाएंगे और डिसीजन लेंगे तो मैं समझता हूँ वो अच्छे डिसीजंस होंगे। आर्मी में डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व है, अगर डिसीजन थोड़ा सा भी गलत हो जाए, छोटी छोटी गलतियाँ युद्धों में बहुत बड़ा नुकसान करा देती हैं उन देशों को, तो अच्छे डिसीजन आप सोचिए, एक गुस्से वाली स्टेट में अच्छा डिसीजन आएगा बदला लेने की भावना जब मन में भरी हो, या जब हम ये सोचें कि मुझे नहीं गुस्से में नहीं केवल शांति में रह के अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए ये लड़ाई लड़नी है, ना कि दूसरे का हक छीनने के लिए, दूसरे की चीज़ों को हथियाने के लिए, तो कौन सी चीज़ बेटर रिजल्ट देगी? और इंडिया का ये एग्जांपल है कि इंडिया ने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, क्यों नहीं किया? हमारा इतिहास बताता है, हमने लोगों को, लोगों के अधिकारों की, लोगों की सोचने के तरीके की, उनकी जो भी आज़ादी है उसको मान्यता दी है। जैसे हम शांति प्रिय हैं, हम चाहते हैं दूसरों को भी वो शांति मिले और वो शांति से रहे, इसलिए कभी भी चाहे वो लड़ाई भी हो, युद्ध भी हो, वहाँ पर भी शांति की जरूरत पड़ती है, और युद्ध के बाद भी शांति ही होती है। आपने देखना कि युद्ध होते हैं ना, तो युद्ध के बाद फिर कंप्रोमाइज़ होता है दो आर्मीज़ के बीच में, दोबारा उनको अंडर द टेबल बैठना पड़ता है और वहाँ शांति में बैठ के शांति वार्ता करनी पड़ती है, और फिर दोबारा शांति ही होती है। तो अगर युद्ध का परिणाम शांति है और शांति में आप पहले भी थे, तो ये युद्ध वाली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर होती है, आपके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता है, तो ऐसी स्टेज में भी हम डिस्टर्ब हुए बिना कूल एंड काम रह के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस देश को, उस आर्मी को मिलेंगे। भाई जी, और कौन सी मान्यता है जो आप आज हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? गुस्से से जुड़ी एक और मान्यता जो एक हमें गुस्से को ओवरकम करने से रोकती है, वो ये है कि हमें लगता है कि अगर दूसरों को सुधारना है, दूसरों को चेंज करना है, दूसरों को करेक्ट करना है, तो गुस्सा करना पड़ता है। अब दूसरे हमारे बच्चे हैं, घर में, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी आदमी है, अब उसने कुछ गलती की है, मिस्टेक की है, तो उसको उस मिस्टेक को रियलाइज़ करने के लिए, उसको ताकि उसको समझ आए कि उसने मिस्टेक की है, वो रियलाइज़ कर सके, हम गुस्से का सहारा लेते हैं ताकि वो बदल जाए, वो अब सुधर जाए। करेक्ट। अब इस मान्यता को भी अब देखो, हम चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि वेदर इट इज इट ट्रू और रॉन्ग। अब देखिए, उस व्यक्ति ने कुछ गलती की, मिस्टेक की, मान लो उसने झूठ बोला, और मेरे संस्कार है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि उसको सही करने के लिए मैं गुस्सा करूँ, ठीक है? तो उस व्यक्ति ने एक गलती की है, मिस्टेक की है, और आपको उसको सुधारना चाहते हैं, जो एक अच्छी चीज है। गलती गलती है, सुधारना अच्छी चीज है, और उसको सुधारने के लिए आप तरीका क्या यूज कर रहे हैं? गुस्सा। तो गुस्सा जो एक रॉन्ग तरीका है, एक गलती है, वो भी एक गलती है,
गुस्सा करना एक मिस्टेक है, झूठ बोलना भी एक मिस्टेक था, तो क्या एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को करेक्ट कर सकेगी? जब हम खुद ही सही नहीं है, हम अगर खुद ही सही रास्ते पे नहीं है, हम खुद ही गुस्से वाला तरीका अपना रहे हैं जो एक सही तरीका नहीं कहा जाता, तो दूसरा उससे सुधरेगा कि बिगड़ेगा? पर माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। तो आज अगर हम देखें कि अगर हम गुस्सा अपना रहे हैं और वो बच्चा अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर वो झूठ से बदल करके सच की तरफ जा रहा है, तो क्यों नहीं? पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या उससे वो सच की तरफ जाएगा, जो हमने गुस्सा किया उसे सुधारने के लिए, चेंज करने के लिए, उससे उस व्यक्ति ने कुछ तो सीखा होगा। उसने भी सीखा कि अगर गुस्सा करते हैं तो ये काम होता है ऐसा करने से, तो उसने क्या सीखी हमसे चीज, गुस्सा करना। और दूसरा, हमने उसको करेक्ट करने के लिए, मान लो स्टूडेंट है, बच्चा है घर में, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, हमने उसको गुस्से से डांट दिया कि पढ़ाई करो, और उसको थोड़ा डराया, अब वो पढ़ाई करने लग गया। अब आप देखिए वो पढ़ाई सचमुच करेगा कि नहीं करेगा, इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्या बच्चे सचमुच उनको डांटा जाए तो पढ़ाई करते हैं, कि उनको मोटिवेट किया जाए तो अच्छी पढ़ाई करेंगे? वो डांटेंगे उनको, किताब खोल लेंगे पेरेंट्स की डर की, लेकिन किताब के अंदर कोई और किताब भी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उनका मन भी उस पढ़ाई में लगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम दूसरों को करेक्ट करने के लिए, दूसरे को सुधारने के लिए कभी भी गलत मेथड, गलत विधि नहीं अपना सकते। अगर विधि गलत होगी तो रिजल्ट हमें अच्छे नहीं आएंगे। हमें लगता है कि बच्चे डिसिप्लिन में आ जाएंगे, बच्चे पढ़ाई करने लग जाएंगे, छोटी छोटी प्राप्तियां हैं, मान लो पढ़ने लग भी जाएं आपके डर के, लेकिन आप डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए? जैसे आपने गुस्सा किया, आप चिल्लाए, तो आप तो डिस्टर्ब हुए और बच्चा भी थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो गई होगा। अब मान लो उसने काम कर भी दिया, अब उसको देखो कि एक छोटी चीज तो मिल गई, लेकिन बड़ी चीज को आपने छोड़ दिया। कहते हैं आजादी के टाइम में एक नौजवान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और उसको पकड़ के कहा गया कि तुझे फांसी की सजा मिलने वाली है, लेकिन तू हमारा साथी बन जा तो हम तुझे छोड़ देंगे। लालच दिया गया उसे और कहा गया तुम्हारी बूढ़ी माँ गांव में रो रही है, उसका फिक्र करो। उस नौजवान ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, उसने कहा कि अगर माँ के आंसुओं को देखकर मैंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को भुला दिया तो ये मेरी माँ का अपमान होगा। वो हंसता हंसता फांसी के फंदे पे चढ़ गया, उसने बड़ी प्राप्ति के लिए छोटी प्राप्ति को ठुकरा दिया। उसी तरह अगर हम गुस्से का शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं ऐसे मनचाहे काम हो जाते हैं, लोग हमारा कहना मानते हैं ये छोटी छोटी प्राप्तियों को लेके, और हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, शांति को खो देते हैं, तो ये भगवान का अपमान है, अपना अपमान है। अब हम देखें कि हमने छोटी चीज लेनी है या बड़ी लेनी है। शांति बहुत बड़ी चीज है, पीस ऑफ माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। और ये छोटी छोटी चीजें कि इनसे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, होता भी नहीं है। गलती से हो भी जाए तो कितना है उसकी, उसकी परसेंटेज कितनी है उस बड़े काम के मुकाबले में? हाँ, अगर हमने दूसरों से काम कराना है तो उसके दूसरे तरीके हैं। हम कभी भी फोर्सफुली दूसरे को सुधार नहीं सकते। हम कर सकते हैं तो केवल दूसरे को गाइड कर सकते हैं, तो केवल दूसरे को मोटिवेट, इंस्पायर। उसका सुधरना, उसका चेंज होना, बदलना उसके हाथ में है, और वो टोटली इंडिपेंडेंट है कि वो चेंज होना चाहे या ना हो, वो उसकी च्वाइस है, उसकी इंडिपेंडेंस है। और हर आत्मा को हमें वो इंडिपेंडेंस जरूर देनी चाहिए। हर आत्मा, हर व्यक्ति एंटाइटल्ड है उस इंडिपेंडेंस के लिए कि जो वो कर रहा है वो उसको करे या ना करे। हम केवल उसको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और गाइड करके वो चेंज हो सकता है प्यार से अगर करेंगे। अगर गुस्से का तरीका अपना लिया तो फिर नहीं होगा, तो वो उसकी मर्जी है, तब भी उसकी मर्जी है, और गुस्से से और ही वो व्यक्ति चिढ़ भी सकता है। तो उस वक्त अगर हमने दूसरे को बदलना है तो सबसे अच्छा है कि हर आदमी को आप ये सोच लो, गुस्से को ओवरकम करने का भी बहुत अच्छा फार्मूला है कि कम से कम आप एक दिन ये सोच लो कि जिसको जो करना है करे, जिसने जो बोलना है बोले, जो सबको आज़ादी दे दो। जिस दिन आप दूसरों को आज़ादी दे देंगे, खुशी आपके पास आएगी और गुस्सा कोसों दूर भाग जाएगा। आज हमारे गुस्से का कारण यही है कि हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम दूसरे को बड़ी जल्दी जज करते हैं, दूसरे के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, इसको कभी हम सोचते ही नहीं है। दूसरों के जज,
बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बनना चाहिए अपना जज कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, मुझे ही उन्हें दूर करना है। तो एक तो हम जजमेंटल ना बने और दूसरा हर आदमी को फ्रीडम दें, चाहे वो हमारा बच्चा है, हमारे घर का ही आदमी है, पड़ोसी है, छोटे हो या बड़े, हर आदमी इंडिपेंडेंट है। उसको इंडिपेंडेंस दो, उसकी अपनी च्वाइस है, वो अपने तरीके से बिल्कुल सही करता है, उसको भी पता है सही क्या है गलत क्या है। अगर नहीं पता है तो आप समझा सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी च्वाइस है, अपना डिसीजन है कि वो उस अनुसार कौन सी रास्ता चुने, वो बदले या ना बदले, वो उसके ऊपर छोड़ के आप उसे आज़ादी दे दोगे तो आप खुद आज़ाद हो जाओगे। आपके अंदर जो परेशानी पैदा हो रही है, इरिटेशन पैदा हो रही है, जो बात बात में आप चिड़चिड़ वाला स्वभाव हो जाता है, वो सारे से आप मुक्त होके एक आजाद गगन में पंछी बन के उड़ोगे। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो हमारे अंदर की ही इजाद है, हमें उसे अंदर से ही नियंत्रण पाने की जरूरत है, ना कि बाहर के जो बाहरी सर्कमस्टांसेस है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इस बात के साथ आज की श्रृंखला को हम अंत करते हैं, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। दोस्तों आज हमने जाना कि जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो गुस्से को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जो एक नेचुरल नेचर हम मान करके चल रहे हैं वो गलत है, गुस्सा नेचुरल नहीं है। और अगर हमें गुस्से को बदलने की ज़रूरत है तो हमें आसपास की चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं, अगले श्रृंखला में आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।